नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी जॉब न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर की, जो कि बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स हैं, राजस्थान पुलिस, पटवारी और दूसरी जो एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी, तो हमने उसमें आपको 60 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। लेकिन अगली हमारी सीरीज है 60 to 90 क्वेश्चन की, वो अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में और देखते हैं उसके आंसर्स हैं। तो सबसे पहला हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस हैं, ब्राउज़र, लिंक और प्रिंटर और सर्च इंजन। तो इसमें आपको बताना है कि इंटरनेट संबंधित कौन सा नहीं है। तो ब्राउज़र है वो इंटरनेट से संबंधित है, लिंक है वो भी इंटरनेट से संबंधित है, सर्च इंजन है ये भी इंटरनेट से संबंधित है, लेकिन प्रिंटर है ये एक फ़ोटो प्रिंटर मशीन है, यानी कि इससे फ़ोटो कॉपी है वो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62 का, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, यानी कि स्टोरेज माध्यम कौन सा नहीं है। हार्ड डिस्क है ये स्टोरेज माध्यम है, फ्लैश ड्राइव है ये स्टोरेज माध्यम है, DVD है स्टोरेज माध्यम है, लेकिन फ्रेंड्स कीबोर्ड है ये स्टोरेज माध्यम नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, यानी कि आपको इसमें बताना है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इसके अलावा कंप्यूटर सर्किट्री या ह्यूमन ब्रेन। तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी कि सॉफ्टवेयर का कंप्यूटरों के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर का अर्थ है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 का, एक निबल कितने बिटों के बराबर होती है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं 16, 32, 4 और 8, यानी कि एक निबल है वो कितने बिटों के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यानी कि 4 बिटों के बराबर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि इनमें चार कंप्यूटर दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा, सबसे महंगा है वो कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड होगा डी, यानी कि सुपर कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, यानी कि हमारा कंप्यूटर पहले से ऑन है और हम उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि वार्म बटिंग। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, मॉनिटर, CPU, CD-ROM और फ्लॉपी डिस्क। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 68 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें ऑप्शन दे रखे हैं एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि जो 68 का हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कंट्रोल यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 69 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है, जो ईमेल होती है उससे संबंधित कौन सा नहीं है, पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर या फिर रिसीवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पावर पॉइंट, यानी कि ये एक ईमेल का जो संबंधित है, ईमेल से संबंधित नहीं है पावर पॉइंट। इसके अलावा जो इनबॉक्स है ये ईमेल से संबंधित है, रिसीवर जो हम मेल भेजते हैं उसको रिसीव करता है वो, और सेंडर जो मेल भेजने वाला होता है वो होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 70 का क्वेश्चन है,
इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? यानी इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो हमारा जो 70 का क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डाउनलोडिंग। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती है? जो 71 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर जो त्रुटियाँ हैं वो किस प्रकार होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72 का, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? यानी कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सीपीयू। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1024 बाइट बराबर, यानी कि 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है, वो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, यानी कि सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा है जो लागू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मशीनी भाषा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, यानी 75 नंबर का हमारा क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स बराबर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि मेगाबाइट के बराबर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर जो परम है उसका निर्माण है वो कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? यानी कि कंप्यूटर में विंडो है वो एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, या सीडी ड्राइव के, या प्रिंटर के? यानी कि निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण कौन सा है जो हम कोई किसी भी फाइल को या प्रोग्राम को संग्रहण करते हैं उसका उपकरण है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर के। ठीक है, इसके बाद में हमारा 79 का क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, यानी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसका प्रयोग है वो कहाँ पर करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी कि वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, सीडीएस का आकार कैसा होता है? यानी कि 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सीडीएस का आकार है वो कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोल। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 21 का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए इनमें से एक अन्य शब्द है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 82 का क्वेश्चन है, DTP का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि DTP का पूरा नाम है वो क्या है? तो इसका सही है पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिश। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का, DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ आपको बताना है DOS का पूर्ण रूप, यानी कि DOS की फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। तो इसका सही फुल फॉर्म है वो हो जाएगी सी, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, JDBC इसका सूचक है, यानी कि JDBC है वो किसका सूचक है? तो इसमें आपको बताना है JDBC है वो किसका सूचक है? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेन किसका लघु रूप है? तो 85 का हमारा क्वेश्चन है, लेन है वो किसका लघु रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क का, इजी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86 का, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप, यानी कि कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि किलोबाइट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ईमेल का विस्तृत रूप, यानी कि ईमेल है उसका विस्तृत है रूप है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद में 88 का हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, तो यहाँ आपको बताना है कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है, रजिस्टर्स, बिट्स, बाइट्स, या प्रोग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में रहता है प्रोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, जो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो किस कंपनी ने बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जीरोक्स ने। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 90 का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो आज के क्वेश्चन फ्रेंड्स इतने ही थे हमारे, जो इसके आंसर हैं वो नीचे हमने दे दिए हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF है वो मिल जाएगी, डाउनलोड करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।